ये इसमें जो है ना, ये एक बंद है, इसको जो है ना अच्छे से इन्होंने गर्म करके तल के, और ये साथ इन्होंने सालन दिया, और मुझे मुझे पता भी नहीं था कि भाई ये ऐसी होती है। ये इन्होंने ये बटर लगाया हुआ, और इसमें भी ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। तो खानों के शौकीन हाजिर है एक और नई वीडियो के साथ। तो जिसने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, लाजमी सब्सक्राइब कर ले। देख लीजिए, मैं अभी अभी काम से आया हूं, 8:30 बजे का टाइम है, और मैं डायरेक्ट आगे व्लॉग बनाने निकल चुका हूं। और ये देखे आप, बारिश आज भी हो रही है, पानी आज भी खड़ा हुआ है। मौसम जो है ना वो रोज ही बहुत खराब है, रस्तों में निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है, लेकिन फिर भी हम जो है ना अपनी वीडियो बना रहे हैं और रोज वीडियो अपलोड कर रहे हैं। माशाल्लाह से हमारे जो है ना वो 100 सब्सक्राइबर भी हो गए, और इंशाल्लाह 100 सब्सक्राइबर की जो है ना स्पेशल वीडियो भी आने वाली है। तो हमारे साथ रहिए, इंशाल्लाह बहुत मजे की वीडियो आगे आने वाली है। आज भी हमारे साथ उज़ैफा है, बाकी का प्लान बताएगा आपको उज़ैफा कि आज हम कहाँ जा रहे हैं और क्या ट्राई करने वाले हैं। तो हाँ उज़ैफा, क्या प्लान है आज का? तो भाई आज का प्लान ये है कि आज हम जा रहे हैं फैजी भाई के साथ इंडिया पाव भाजी खाने। बल्कि सॉरी इंडिया नहीं जा रहे हैं, हम जा रहे हैं कराची में ही, इंडिया आ गया मुंबई, मुंबई पाव भाजी इन कराची। अब पाव भाजी मुंबई वाली मिलेगी आपको कराची में भी, 5-star फूड स्ट्रीट पे हमें रिपोर्ट आई है, बहुत ज़बरदस्त उनकी पाव भाजी है। मेरे दोस्त ने ट्राई की थी और उसने मुझे बताया था, और उसी ने मुझे जो है ना सजेस्ट किया था कि यार आप उधर जाओ, मुंबई पाव भाजी ट्राई करो। ओरिजिनल जो टेस्ट होता है मुंबई पाव भाजी का, वो वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। पूरी वीडियो देखिएगा आप, और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि अब हम आपको कराची में भी दिखाएंगे इंडिया के खाने। तो भाई हम पहुंच चुके हैं अपनी लोकेशन पर, मुंबई पाव भाजी इन कराची है। सामने मुंबई पाव भाजी है, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे इंडिया की हर चीज़ जो इंडिया में मशहूर है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। मुंबई की इधर पाव भाजी वगैरह हर चीज़ आपको मिल जाएगी। अभी हम ऑर्डर करते हैं, फिर आपको बताते हैं कि भाई ये कैसी है क्या है। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी नहीं खाई, पर आज हमने जो है ना अपना कंटेंट थोड़ा डिफरेंट रखा, पाव भाजी खाने आ गए हम। कि मैं जब भी पाव भाजी का नाम सुना वो तारक मेहता के अंदर सुना है, बाकी कभी खाई नहीं है, टेस्ट भी नहीं की, और पता भी नहीं होती कैसे है। तो आज हम जो है ना आ गए खाने के लिए। भाई ये हमारा जो है ना मेन्यू कार्ड जो है ना उज़ैफा डिसाइड कर रहा है, अभी क्या मंगवाना है अभी डिसाइड नहीं हुआ भाई। डिसाइड हो गया है, हम सिर्फ इधर आए पाव भाजी खाने। मुझे शौक जो है ना पाव भाजी का है कि भाई खा के तो देखें कैसी है। तो हमने जो है ना बिना सोचे समझे बस पहली तो डिश जो है हमारी चीज़ पाव भाजी हो जाएगी, और दूसरी हमारी दूसरी जो है ना मेरा ख्याल हम एक पानी पूरी मंगवा लेते हैं, एक पानी पूरी मंगवा लेते हैं। सही हाँ, ये पानी पूरी तो वही मेरा गोल गप्पे वगैरह, ये भेलपूरी मंगवा लेते हैं हम। भाई इसका नाम ही जो है ना मुंबई पाव भाजी, और इसकी ये जो पूरी थीम है द गेटवे ऑफ मुंबई लिखा हुआ है इन्होंने, बहुत प्यारी सी थीम बनाई हुई है, और डाइन इन भी है बहुत प्यारी सी इनकी। तो भाई हमने ऑर्डर कर दिया है, एक पाव भाजी ऑर्डर की है हमने, और एक जो है ना दबेली पता नहीं क्या चीज़ है, अभी आएगी तो हम आपको दिखाते हैं कि दबेली जो है ना 150 रुपीज़ की है, पर ये है क्या चीज़ अभी आके पता चलेगी हमें। भाई मैं जो है ना इंडियन फूड पहली दफ़ा ट्राई कर रहा हूँ, मैं तो हूँ बहुत एक्साइटेड, बहुत मज़ा आने वाला है। बाकी मैं वेट कर रहा हूँ, काफ़ी टाइम हो गया जो है ना हमारा ऑर्डर नहीं आया, अभी मैं वेट कर रहा हूँ, तो ऑर्डर आ जाए जैसे आपको दिखा। तो भाई हमारी दोनों डिशेज़ आ चुकी हैं, ये हमारी पाव है और ये हमारी भाजी है, और ये हमारी दबेली है। ये जो पाव है ये भी बटर के अंदर जो है ना फ्राई हुआ है, और ये जो भाजी है ये हमारी जो है ना 10 वेजिटेबल्स का मिक्सचर है। हमने पूरी ज़िंदगी में यहाँ तो आलू गोभी खाई है, आलू बैंगन खाए, हमने 10 वेजिटेबल्स एक साथ मतलब मिक्सचर नहीं खाया। तो ये इंडियन फूड की ये एक स्पेशलिटी है कि यार इन्होंने 10 वेजिटेबल्स का मिक्सचर हमें दिया है, अभी खा के देखते हैं कि भाई ये कैसा है। और ये हमारी जो है ना दबेली है, ये बर्गर बन के अंदर इन्होंने पोटैटो का मिक्सचर लगाया, और खट्टी मीठी सॉस है, और ये भी जो है ना बटर के अंदर फ्राई की हुई है। तो अभी हम ट्राई करने लगे हैं और ट्राई करके बताते हैं आपको कि भाई ये कैसी है। भाई हमारा जो है ना वो पाव भाजी और दबेली जो है ना बहुत देखने में मज़ेदार लग रही है, बाकी उज़ैफा ट्राई कर रहा है, ये आपको ट्राई करके बताएगा कैसे। फिर उसके बाद मेरी बारी है, ये आप इसका एक निवाला चेक करें, कितना बेहतरीन लग रहा है देखने में। हाँ उज़ैफा क्या सीन है? यार सीन फुल ऑन है, बहुत ज़बरदस्त लग रही है मुझे ये।
बहुत अच्छा बटर का टेस्ट आ रहा है, बहुत ज़बरदस्त लग रही है पाव भाजी। ज़िंदगी में पहली दफ़ा खाई है और लगता है कि मैं ये खाता रहूँगा, क्योंकि मुझे मेरी फेवरेट हो गई है, क्योंकि मुझे जो है ना चीज़ बटर वगैरह बहुत पसंद है और ये टोटली बटर के अंदर ही फ्राई हुई है। ये बहुत ज़बरदस्त है। कीमत भी इसकी जो है ना पता नहीं पाकिस्तान के हिसाब से सही है, 200 रुपये में हमें ये मिली है पाव भाजी, और 10 वेजिटेबल्स का मिक्सचर आपको मिल रहा है 200 रुपये में, बहुत अच्छा है। मेरी तरफ से तो 10 out of 10 आ गई इसमें। उज़ैफ़ा ने जो है ना पाव भाजी तो ट्राई कर ली, अब इसकी बारी है दबेली ट्राई करनी है। उज़ैफ़ा ट्राई करो फिर बताओ कैसी है। ये दबेली जो है ना हमारे बर्गर टाइप लग रही है, ये यार ये जो दबेली है ना, ये दोनों डिशेज जो है ना अपनी डिशेज से हट कर रहे हैं। हमारी कोई भी पाकिस्तानी डिशेज में ऐसे टेस्ट नहीं आते, इनके इंडियन टेस्ट जो है ना बहुत ज़बरदस्त और हट कर है। और ये ख़ास तौर पे ये मुंबई की थीम के ऊपर ये बना हुआ है। और ये दोनों जो है ना पाव भाजी भी और दबेली भी दोनों बहुत ज़बरदस्त लग रही है, पर मुझे जो है ना पाव भाजी ज़्यादा मज़े की लगी है। ये भी बहुत मज़े की है पर पाव भाजी का टेस्ट इससे ज़्यादा अच्छा है, तो मैं दोनों को 10 out of 10 दूंगा। कोई भी जो है ना ऐसी नहीं है कि इसका टेस्ट जो है ना ख़राब हो, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है। मेरी तरफ से दोनों को 10 out of 10। तो भाई अब बारी है हमारे फैजी भाई की, फैजी भाई ट्राई करने लगे हैं पहले पाव भाजी। भाई उज़ैफ़ा जो है ना वो ट्राई कर चुका है, बारी है मेरी, मैं भी ट्राई कर लेता हूँ बिना इंतज़ार कि। हमारा पाव है और ये भाजी है जो कि 10 सब्जियों का मिक्सर है, बाकी इसको ट्राई करते हैं। थोड़ी सी चटनी भी लगा लेते हैं इसमें। यार वाकई बहुत मज़ेदार है, यकीन मानिए अब पता चला इंडियन जो है ना कि पाव भाजी खा के इतना खुश क्यों होते हैं। बहुत ज़बरदस्त है, मेरी तरफ से भी जो है ना इसको 10 out of 10 है, बहुत बेहतरीन है। एक अलग ही टेस्ट है, मैं बता नहीं पा रहा कैसा टेस्ट है, लेकिन टेस्ट बहुत अलग है इसका। तो फैजी भाई हमारे दबेली ट्राई करने लगे हैं। आप दबेली देख लीजिए, इसमें जो है ना इन्होंने क्या क्या डाला हुआ, खट्टा मीठा ये समझ में नहीं आ रहा इसमें। इसमें पीनट पिक भी हैं, सोया पीनट वगैरह और ये सोया और प्याज वगैरह, ये भी बटर में फ्राई हुई। क्या रिपोर्ट है फैजी भाई? यार ये भी बहुत ज़बरदस्त है, इसका भी बिल्कुल अलग टेस्ट है, बेहतरीन। भाई पाव भाजी जो है ना वो हमारी फिनिश हो चुकी है, ये देखे आप दोनों चीज़ें जो हमने वो फिनिश कर ली, बहुत मज़ा आया, बहुत ज़बरदस्ती, आज एक अलग ही टेस्ट मिला खाने को। तो यहाँ तो भाई पाव भाजी जो है ना वो हम लोग खा के आ चुके हैं, लेकिन एक बैड सीन वहाँ ये हो गया, वो छोटा सा रेस्टोरेंट था, टोटल 4 टेबल लगी हुई थी, वहाँ पे एक फैमिली बैठी हुई थी और सिर्फ मैं और उज़ैफ़ा थे, तो मैं तो सही से बोल नहीं पाया वहाँ पे। अगर मैं बोलता ना चीख के तो मसला ये हो जाता कि वहाँ पे जो है ना वो फैमिली थी, फिर अच्छी बात नहीं थी, वो फैमिली जो है ना डिस्टर्ब हुई, वहाँ तो मैं सही से बोल नहीं पाया, लेकिन मैं यहाँ आके आपको बता रहा हूँ कि बहुत ज़बरदस्त चीज़ थी पाव भाजी जो है ना। मैं भाई वहाँ तो जो है ना मैं सही से बोल नहीं पाया, लेकिन यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ बहुत मज़ेदार थी, दबेली भी बहुत मज़ेदार थी और पाव भाजी भी बहुत मज़ेदार। तो बाकी यहाँ मैं वीडियो को एंड कर रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने वीडियो पसंद की होगी, लेकिन बस मेरा थोड़ा सा दिल ना आज ख़राब हो रहा है, मैं वहाँ बोल नहीं पाया। अगर बोलता तो वो फैमिली बैठी हुई थी, मसला हो जाता, क्योंकि जो है ना वो बहुत छोटा सा रेस्टोरेंट था। तो अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल फूड लैब को लाजमी सब्सक्राइब करें। अच्छा ये उज़ैफ़ा कुछ बोलना चाह रहा है, उज़ैफ़ा सब्सक्राइब हमारे 100 सब्सक्राइबर हो गए हैं, किसी ने कॉन्ग्रेचुलेशंस भी नहीं बोला कमेंट में, सिर्फ हारून ने बोला। और आप सब भी फैजी भाई को बोलेंगे भाई 100 सब्सक्राइबर की कोई स्पेशल वीडियो भी आए, मुझे ट्रीट भी दी जाए, क्योंकि इतनी मेहनत की है मैंने भी। और इंशाल्लाह जरूर जो है ना, भी सारे बोलेंगे भाई ट्रीट तो बनती है ना उज़ैफ़ा की, तो एक ट्रीट मुझे बनती है, तो आप बोलेंगे तो ये मुझे देंगे, नहीं तो नहीं देंगे भाई। इंशाल्लाह ज़रूर 100 सब्सक्राइबर पे जो है ना हम स्पेशल वीडियो बनाएंगे, और मैं जो है ना उज़ैफ़ा को ट्रीट भी दूंगा, फिर उज़ैफ़ा भी मुझे ट्रीट देगा, क्योंकि ये गिव एंड टेक का ज़माना है मेरे भाई। तो बाकी यहाँ वीडियो को एंड कर रहा हूँ, लाइक करें ज़रूर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफ़िज़।